हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एशियन हिंदी नॉलेज पेज में स्वागत है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने चीन का एक मालवाहक जहाज पकड़ा है जो चीन से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहा था। हुआ यूं कि मुंबई सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी, साथ में एक इनपुट भी मिला था कि इस जहाज में वह मटेरियल है जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु प्रोग्रामों में किया जा सकता है। इसलिए दुनिया के सामने जैसे ही ये खबर आई, चीन बौखला सा गया और उसने इस खबर का पलटवार किया। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, दूतावास ने इससे जुड़ी रिपोर्टों पर गौर किया और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर रहा है। एक जिम्मेदार देश के रूप में चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रोलिफरेशन अप्रसार नियमों का सख्ती से पूरा कर रहा है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने अपना पूरा बयान एक्स मीडिया पर पोस्ट किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्ट से ये समझ आ रहा है कि चीन कितना भड़का हुआ है। इस बार पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी बयान जारी किया है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय मीडिया की तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की आदत रही है। ये कराची स्थित एक कमर्शियल कंपनी द्वारा इंपोर्ट किए गए कमर्शियल लेथ मशीन से जुड़ा मामला है और कुछ भी नहीं है। अब देखा जाए तो सिप को पकड़े जाने के बाद दोनों ही देशों में खलबली ही मची है। उनके बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।